इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपना कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं या फिर कर्सर का आइकन चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों करने के लिए डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे सर्च बॉक्स में और सर्च कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे कर्सर प्रो। अब देखो जो पहला वाला ऑप्शन आएगा उसमें जस्ट क्लिक करो, इसको इंस्टॉल कर लेना और फिर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको जैसे हम लोग कर लेंगे इनेबल कर्सर हाईलाइटर। तो देखो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है कलर। अगर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो रेड हो रहा है और अगर राइट क्लिक करेंगे तो ब्लू हो रहा है। आप चाहो तो इसको शेप चेंज कर सकते हो स्क्वायर में या फिर एलिप्स में, जो आपको सूटेबल लगे। तो मेरे को रोम्बस ठीक लग रहा है तो रोम्बस ही रख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है।